वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और जितने हमने क्वेश्चन कल सॉल्व कराए थे उसके आगे जो ये क्वेश्चन है देखिएगा। तो हमने क्वेश्चन कल आपके एग्जांपल 4-5 सॉल्व कराए थे, आज जो क्वेश्चन आपका देखिए बोर्ड पे ये दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद दूसरा। इसमें जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उस साइड में आपको फॉर्मूला लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला जो क्वेश्चन आपका है ये एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स के पावर को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए जो रूट है, रूट को पहले सॉल्व करते हैं। तो रूट हटाने क्या होता है, पावर हाफ लगता है इस पर, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे डी अपॉन डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन रूट, ये हाफ लिख दें, रूट कब लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करें अगर तो क्या आएगा, आएगा इसको देखिए हम सेपरेट करके लिखे हैं अलग अलग। तो एल स्क्वायर अपॉन हाफ प्लस एम एक्स अपॉन एक्स हाफ प्लस एन अपॉन एक्स की पावर हाफ, ये हुआ इधर। उसके बाद क्या होगा, इसके आगे जब सॉल्व करें हम तो एक फॉर्मूला और देखिए जरा आपको, ये फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे शायद, एक्स पावर एन माइनस एम, ठीक। ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिएगा क्या होगा, लिखा होगा एल एक्स पावर टू माइनस 1/2। फिर क्या करेंगे, ये इसका पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, फिर लिखेंगे प्लस एम एक्स पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस एन एक्स पावर माइनस हाफ, ठीक। तो आप नोट कर लिए इस चीज को, तो हम रफ करें इसको। अब उसके आगे जरा देखिएगा क्या लिखा जी, तो इसको हम सॉल्व करें अगर तो L इसको जरा सॉल्व करिए आप तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करें साइड में, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, आइए होगा 2 या 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 3/2 आएगा आपका, तो एक्स पावर 3/2। और इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 1/2, सॉल्व करें इधर तो ये आएगा आपका 1/2 फिर हम क्या करेंगे, सबका डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, हम चारों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड एक्स, अगर किसी वेरिएबल में अगर कांस्टेंट जब लगा होता तो क्या करते, उसको बाहर कर लेते हैं, जो हम साइड में रफ किए हैं ये थी आपको रफ करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला एक लगाएंगे, देखिए जरा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं सामने, ये फॉर्मूला में बार बार इसी चीज को कल भी लिखा था, क्या होता है एन एक्स पावर एन
माइनस वन, ठीक ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारा n की जगह क्या दिख रहा होगा आपको, लिखेंगे वन एल इंटू थ्री बाई टू, और एक पावर क्या करते हैं कम करते हैं, और ये भी इसी होगा m वन बाई टू, और एक पावर कम हो जाएगा। और ये इसमें क्या होगा पावर, ये हाफ आएगा नीचे, और एक पावर इसमें भी कम हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है तो हो गया सॉल्व करना। एल ये होगा आपका थ्री बाई टू, इसको सॉल्व करें आप तो कितना आएगा, थ्री बाई टू माइनस वन सॉल्व करें तो कितना आएगा, ऐसे करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एलसीएम टू आएगा, थ्री वन जे थ्री, टू वन जे टू, यानी वन बाई टू, एक्स पावर वन बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा माइनस वन बाई टू, चेक कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करें तो आएगा माइनस थ्री बाई टू। ठीक, ये आपका आंसर आ गया एल, ये देखिए नंबर में सारे लिखा था, तो थ्री बाई टू एल एक्स पावर हाफ, ये आपका आएगा, ये देखिए जरा यहाँ पे वन बाई टू छूट गया यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा वन बाई टू, नीचे लिख रहे हैं क्या होगा एम बाई टू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू एम एक्स के पावर माइनस हाफ, और ये लिख सकते हैं आप वन बाई टू एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू, ये आपका आंसर होगा। तो और मॉडिफाई अगर सॉल्व करें तो और भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन ये आपका आंसर यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इसको चाहे तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट लॉ सॉल्व कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं बहुत है। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हमको फॉर्मूला आना चाहिए, किसी का फॉर्मूला है आपको ना याद हो तो हम लिख दे रहे हैं साइन फॉर्मूला, देखिएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है हम लोग दो पढ़ेंगे, याद करिएगा पढ़ेंगे पहले टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक साइन टू का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला एक और इसका होता है टू टेन टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चाहिए ये फॉर्मूला से मिल रहा नहीं मिल रहा, ये चीज मैच कर रहा होगा, यहाँ पे टू टू लिखा टेन लिखा टेन लिखा वन लिखा टेन स्क्वायर लिखा यहाँ पे टेन, बस यहाँ थीटा के क्या एक्स है, तो दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं टेन टू ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज और होता है साइन इनवर्स इंटू साइन का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए होती है वन। ठीक, तो यहाँ पे जरा देखिए आप लोग ये क्या है, यहाँ दिख रहा है इसके जो वन ले सकते ना इस फॉर्मूले से, यह कितना लेगा सिर्फ टू एक्स बचेगा, इसका सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालें, और एक्स का कितना होता है वन होता है, तो टू इंटू वन इक्वल टू टू आंसर आएगा। हो गया, एक क्वेश्चन और है वाई लिखा है,
इसमें देखिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, देखिए देखिए अब तरीका क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं मानते हैं लेट या ब्रैकेट में हिंदी लिख के माना वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे हो गया ठीक। उसके बाद क्या करते हैं इसका हम फार्मूला तोड़ेंगे, फार्मूला ब्रेक करेंगे, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक। यहाँ यही लगेगा वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, सॉल्व करेंगे आप तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसको पूरा सॉल्व करें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें होगा इसमें होगा, तो होगा वन एक्स, ये होगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो क्वेश्चन हमने जितने किए हैं चाहे तो ऐसे करिए या ऐसे ही रख दें, हमने पहले टर्म में बताया ये वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स इधर भी करेंगे ठीक। अब दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएट इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको अलग अलग क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट बार कर लेंगे हो गया। अब इधर देखिएगा जरा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका, फॉर्मूला ये लगा देंगे बस एक ही फॉर्मूला क्या होता है एक्स पावर एन माइनस वन, तो इसे क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना एक्स था, एक्स का कितना होता है एक्स का वन होता है, इसका पावर नीचे जाएगा और ये पावर कम हो जाएगा, इसका क्या होगा नीचे पावर जाएगा तो टू इंटू टू पहले से टू ये हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, इसको लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, यहाँ ये आपका आंसर आ गया पूरा। अब इसी के आगे क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन जितने हमने फॉर्मूला बताया उसके कंटिन्यू हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन हर टाइप क्वेश्चन में सॉल्व कराता रहूँगा, जितने भी हो गए आपके बोर्ड में आते रहेंगे क्वेश्चन उस टाइप में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूँगा। लो से हाई तक क्वेश्चन जितने भी होंगे क्वेश्चन आपको हर तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको रखता हूँ और मेरे वीडियो आप अगर डेली देखते हैं तो आपको क्वेश्चन हर टाइप के मिलेंगे हर तरह के जितने भी बोर्ड में आने वाले होंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला प्लस समझाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में लगाऊँ अच्छे से, क्वेश्चन जो है देखिएगा जो मैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन लगवा दिया हूँ उसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, जो थोड़ा डिफरेंट होंगे उसको लिखूंगा। तो एक मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जरा देखिए, आज ये क्वेश्चन है ए एक्स की पावर एम प्लस बी अपॉन एक्स की पावर एम, ये वो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू ए एक्स की पावर एम प्लस बी अपॉन एक्स की पावर एन। अब एक फॉर्मूला होता है ये देखिएगा आप लोग, इसको हम सॉल्व कर देता है ए की पावर एन बी की पावर एन, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, और एक फॉर्मूला ये भी होता है इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा ए की पावर एन बी की पावर एन,
अगर इसको पूरा सॉल्व, इसको प्लेन होगा ए पावर एन बी की पावर नहीं बी ए पावर एन बी पावर माइनस वन एन वगैरह, तो इसमें यही दोनों फॉर्म में लेंगे, करेंगे ए की पावर एम एक्स की पावर एम, इसमें क्या होगा बी की पावर एम एक्स की पावर एम, इसको सॉल्व करें आओ तो आएगा बी के पावर एन एक्स के पावर माइनस, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ठीक, कॉन्स्टेंट हम बाहर कर देंगे, अब फॉर्मूला ये क्या, ये फॉर्मूला में लिखवाया था ये वाला, ये फॉर्मूला था ना एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन क्या हो जाएगा ये एम एम एक्स पावर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका एम कितना बी के पावर एन, इसका पावर नीचे रखा एन आई एक पावर घट जाएगा ठीक, ये हो गया आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। ओके उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो मेरा आएगा ए की पावर एम, आइए दो इधर इसको साइड में लें यहाँ पे, और बी एक्स पावर कितना होगा एक्स पावर एम माइनस वन, और यहाँ सॉल्व करें तो प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा एन बी पावर एन बी कितना हो जाएगा एक्स पावर माइनस ए माइनस वन ठीक, ये आपका आंसर हो गया डी वाई बाई डी। इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं आप फॉर्मूला, आपको पेपर में थोड़ी पता है कि क्या आंसर लाना है, ये आपका इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन इस और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले हम बार बार चीज बता रहे हैं, इसमें लेट करेंगे क्या लगेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन एक्स ठीक। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी प्लस सी, इसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या होता है सबसे पहले ए दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी प्लस ए डी होगा, और फिर बी क्या होगा बी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी प्लस बी डी होगा, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे पहले ए इसका मल्टीप्लाई फिर इससे तो कितना होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, अब वन इसे करेगा दोनों से तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इससे एक्स प्लस थ्री हो जाएगा
अपॉन एक्स हो जाएगा। तो जो सेम पावर वाले होंगे वो ऐड होंगे, इसमें कोई सेम पावर वाला नहीं है तो नहीं ऐड होगा। तो कितना देगा, हो जाएगा एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और फिर एक्स अपॉन एक्स और थ्री अपॉन एक्स। ये आपका हमने तरीका लिख लिया सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पावर वन है, इसमें से घट जाएगा, कितना होगा, एक कट जाएगा तो कितना जो दो बचेगा, इधर एक कट जाएगा तो एक बचेगा, इधर कट जाएगा तो वन बचेगा, इधर कटेगा नहीं तो ये ऊपर जाएगा, कितना होगा एक्स पावर माइनस वन। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। हम कांस्टेंट हम पहली बार कर लेंगे तो थ्री प्लस वन का भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, जरा समझिएगा क्वेश्चन, अपना सॉल्व होने वाला है। इसको क्या लिखेंगे, dy by dx, ये कितना हो जाएगा, पावर नीचे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, इसका क्या होता है 1 होता है x का, तो 1 into 3 हो जाएगा, 1 का क्या होता है 0, कांस्टेंट आपका 0, इसका क्या होगा, एक पावर क्या होगा आपका कम होगा, एक माइनस पहले था माइनस और एक आ गया। इसको सॉल्व करें 2x plus 3, इसको सॉल्व करें माइनस 3। ठीक, तो ये कितना देगा, ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू, ओवरऑल सॉल्व करें तो 2x प्लस 3, इसको सॉल्व करें नीचे लिखाएं तो प्लस हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरा देखिएगा, प्रूव करना आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है 2x लिखा हुआ dy by dx और लिखा है प्लस y 2√x = 0, ये प्रूव करना आपको। ठीक, इसको जरा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखने पहले सही लिखा नहीं लिखा तो हमने सही लिखा होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करना है तो देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हम रूट सॉल्व करेंगे, रूट को हटाते तो आता है हाफ, जैसे इसको हम लिख देंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर लें तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब सब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ, ठीक, और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम एक्स पावर एन वाला, क्या होगा एन एक्स पावर एन माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ नीचे, फिर एक पावर कम होगा,
इसमें सॉल्व करें तो ये पावर हाफ नीचे आएगा माइनस का, और फिर एक पावर कम हो जाएगा, इसको लिखेंगे डिवाइड बाय इसको। अब ये जो सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पावर पूरे इसको, तो ये आएगा माइनस का 1/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे ये वाला तो आएगा माइनस का 3/2। हमने कई वीडियो में इसको बता चुका है, बार बार इसके लिए बता रहे हैं आपको। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ लिखेंगे dy/dx, ये हो जाएगा आपका, इसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, आएगा 2 यहाँ आएगा, और नीचे इसको लेकर x के पावर हाफ प्लस में जाएगा, और ये हाफ पहले से है, और ये भी नीचे ले गए तो क्या होगा, x पावर 3/2। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, क्या कॉमन जरा देखिएगा, 1/2 कॉमन दिख रहा है, और ये इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो बता देगा 2 dy / dx। ठीक, और ये जो होगा इसको रूट लिखते हैं, पता होगा आपको, एक चीज़ ज़रा दिखी गई है, हम इसको ज़रा बताएं अगर, तो x पावर 3/2 को लिख सकते हैं x, और x पावर 1/2,